अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूँ तानी, आप लोगों की मेकअप आर्टिस्ट। सो आज का जो ये वीडियो है ये इस बारे में है कि आप लोग अपनी ये लैशेस कैसे अप्लाई कर सकते हो। दीज आर द फेक लैशेस और इनका बहुत ही आसान तरीका है इनको अप्लाई करने का। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि मैंने ये अप्लाई की हुई है। सो नेक्स्ट मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगी ये बेस्ट ग्लू है हमारे पास अवेलेबल व्हाट्सएप के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में है ये ग्लू, बहुत ज़बरदस्त ग्लू है ये, ठीक है। और इसकी दूसरी पैकेजिंग है मेरे पास ये वाली। तो इसको मैं जो हूँ ये ब्लैक ग्लू है, हमेशा ब्लैक ग्लू यूज़ कीजिएगा। लैशेस को आपने दोनों तरफ से तो कट नहीं करना, जो आपका इनर साइड है उससे आपने थोड़ी सी कट करके इसकी अपनी आई की लेंथ तक आपने इसको कट कर लेना है। और देन इसके लैश बैंड के ऊपर आपने इसके जो लैश बैंड है इसके ऊपर आपने जो है वो अच्छे से ग्लू का कोट लगा लेना है, ठीक है, इस तरह से। और फिर आपने क्या करना है कि इसको रख देना है साइड पर और दूसरी लैश ग्लू लैश को पकड़ लेना है, ठीक है। इसके भी आपने कट कर लेना है अपनी आई के लिहाज से, ठीक है। और फिर आपने जो है इसके ऊपर ग्लू लगा लेनी है, ठीक है। इसको आपने ऑलमोस्ट जो है वो 30 सेकंड्स के लिए रखना है, ठीक है। 30 सेकंड्स के लिए अगर आप इसको रख देंगे तो ये होगा कि आपकी ग्लू बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से आपने लैश को पकड़ना है और रख देना है, ठीक है। अब इसको रख देना। अब अपनी अपनी आईज को आपने क्या करना है कि मस्कारे से पहले कोट कर लेना, क्योंकि अगर आप दोबारा से इसको कोट करेंगे लैशेस लगा के तो आपका जो है वो लैश ख़राब हो जाएगी। तो अच्छी तरह मस्कारा अपनी आईज पे आप लगा लो ऐसे करके, ठीक है। अच्छी तरह मस्कारे को कोट कर लो, दोनों आईज को भी अच्छी तरह से यूँ कोट करके मस्कारे के साथ लोअर लैश लाइन पर भी लगा लो, अपर लैश लाइन पर भी लगा लो, ताकि एक दफ़ा आपकी जो लैशेज़ हैं वो उठ जाएँ, ताकि जो आप फेक लैशेस लगाओ उसके साथ में मिक्स हो जाएंगी तो फिर वो अलग अलग नहीं दिखेंगी, ठीक है। इन्हें लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता था कि आपका ये जो इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर है ना ये लैश के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाए और बिल्कुल पता ना लगे कि जो ये लैशेस हैं वो आपने फेक लगाई नहीं है, वरना एक अलग सा गैप सा नज़र आता है, ठीक है। अब आपकी थोड़ी देर हो गई है लैशेस को सेट होने के लिए, तो आप इसको यूँ उठाओ और चेक कर लो हैंड की मदद से कि ये ड्राई हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, ये स्टिक कर रही है या नहीं कर रही है। तो अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हम जो है वो अपने आईज के ऊपर इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस सेंटर में आपने रखनी है लैश को, पहले सेंटर में रखना है आपने पहले ऐसे, ठीक है। फिर आपने इनर कॉर्नर उठा के अपना इस तरह से ज्वाइन करना है, फिर अपने आउटर कॉर्नर उठा के आपने इस तरह से ज्वाइन करना है, फिर अपने बड़े हल्के हाथ के साथ इस इनको लैश बैंड को यूँ प्रेस कर देना है। बी केयरफुल कि गैप ना आए सेंटर में, देखें बिल्कुल भी गैप नहीं आया, ठीक है। यूँ प्रेस कर देना है हल्का हल्का सा। आप चाहो तो एप्लीकेटर के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ पता नहीं लगता कि कितना गैप रखना है कितना नहीं। तो मैं जो हूँ वो फिंगर की हेल्प से ही इनको प्रेस करके तो लगा लेती हूँ, फिंगर की हेल्प से ज़रा अच्छी लग जाती हैं। सी कितनी इजीली ये अप्लाई हो गई हैं, क्योंकि ये ग्लू बहुत अच्छा है। सबके सब प्रोडक्ट्स पर 70% ऑफ चल रहा है। अगर आप अप्लाई करोगे अभी तो रमज़ान सेल ऑफ़र जो है वो आप अवेल कर सकते हो। इस तरह से रख के सेंटर तो आपने इसको यूँ प्रेस कर देना, तो ये आपकी लैशेस लग चुकी हैं, ठीक है। प्रेस कर ताकि अच्छी तरह स्टिक हो जाए, ठीक है। 2-4 बार आप इस तरह से लगाना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसको भी प्रॉब्लम थी, सी कितनी ज़बरदस्त लैशेस लग चुकी हैं। और ये लैशेस भी बहुत ज़बरदस्त हैं, ये 3D लैशेस हैं मैक्सफैक्टर की। और इसके अलावा जो ग्लू है वो मैरी ग्लू है और बहुत अच्छी ग्लू है ये वाली, मैरी ब्यूटी ग्लू है ये। आई क्रीम बहुत ज़बरदस्त ये अप्लाई कर देगी और ईज़िली उतार भी देती है, कोई आइज़ को हार्म नहीं पहुंचाती है ये, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आज। सो गाइज़, रमज़ान सेल ऑफ़र चल रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो ऐड अस ऑन व्हाट्सएप। रोज़ जो है सेल के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम स्टोरी लगा देते हैं स्टेटस पे, तो आप लोग अवेल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट। सेल में ईद ऑफ़र भी चल रही है, 70% ऑफ है रमज़ान सेल ऑफ़र। तो उसके अलावा आप लोग जो हो वो मेरी लाइव ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। मैं 9 बजे के करीब लाइव आती हूँ। उसे ये होगा कि आप लाइव में कोई भी गिफ्ट जो है वो चूज़ कर सकते हो, विन कर सकते हो मेरा एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देने पर। सो गाइज, दिस इज़ द ट्यूटोरियल।